हेलो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि जो हमारे मकान के नीम के अंदर जो सीलन आती है, जो हमारे बाउर की बाउंड्री होती है उसमें, तो उसके हम सीलन कैसे रोक सकते हैं। तो ये आपके सामने देख रहे हैं आप नीचे, ये हमने इसकी मकान की नीम को जो मिट्टी हटाकर ये दीवार निकाल दी है नीचे, इस पर हम टाइल लगाएंगे दोस्तों। तो टाइल से इस मकान की जो नीम में सीलन दीवार के ऊपर जो आती है वो टाइल लगाने से रुक जाएगी। तो इस पे हम दोस्तों स्क्रैप टाइल लगाएंगे, जो हमारे पास स्क्रैप बची होती है वो हम इस पे लगाएंगे। तो अगर आपके पास स्क्रैप उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से मंगा सकते हैं। तो पहले आपको इस तरह से निशान लगाना है दोस्तों, और नीम का जो ये रदा है उसको आपको चेक कर लेना है कहीं ऊँचा नीचा तो नहीं है। उसके बाद में आपको इसके ऊपर टाइल लगाना है दोस्तों। तो इस तरह से आप इस टाइल जो हमारे पास स्क्रैप है उसके ऊपर आप एडहेसिव में भी लगा सकते हैं और मसाले में भी लगा सकते हैं। हमने ये एडहेसिव का इस्तेमाल किया है एक बार इसको रोकने के लिए, और बाद में हम इसके अंदर सीमेंट का घोल डालेंगे दोस्तों। तो ये चारों कोनों पर थोड़ा थोड़ा लगा कर एक बार इसको दीवार के साथ खड़ा कर दिया जाएगा टाइल को। ये हम आपके सामने लगा दिया है हमने एडहेसिव को, और ये इस तरह से आप दीवार के साथ इसको एक बार खड़ा कर दीजिए। जब ये सूख जाएगा तो इसके अंदर हम सीमेंट घोल कर डालेंगे ताकि ये कहीं से भी खाली ना रहे। इस तरह से आप स्क्रैप टाइल को लगा दीजिए, अच्छे से सेट कर लें इसको। अगर थोड़ा बहुत फर्क भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये नीम में जो मिट्टी लगेगी साथ में उसी में ये आ जाएगी। तो ये हमने स्क्रैप टाइल को लगा दिया दोस्तों यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं हमने इसमें घोलिया भी डाल दिया है सीमेंट का, और ये जो मिट्टी आप देख रहे हैं इसके लेवल में आ जाएगी। जब भी इसके साथ में कोई बारिश का पानी या किसी तरह से पानी आएगा तो ये इस नीम के अंदर सीलन नहीं दिखाएगा, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके पास स्क्रैप टाइल उपलब्ध नहीं है तो आप बाज़ार से मंगवा कर भी लगवा सकते हैं। ये हमारे पास उपलब्ध थी तो हमने 2x4 किए स्क्रैप, बीच बीच में छोटे पीस भी हैं ये लगा दिए हैं, कहीं से भी हमने इसको खाली नहीं छोड़ा है। अच्छी तरह सीमेंट घोल कर डाला इसमें अंदर। तो आप इस तरह से स्क्रैप टाइल का यूज़ करके मकान की नीम या दीवार की नीम पे के ऊपर लगा सकते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पूरी दीवार पे हमने जो नीम है इसकी स्क्रैप टाइल को लगा दिया है, और साथ में स्क्रैप भी इसकी टाइल की जो है यूज हो गई दोस्तों, वेस्ट नहीं गई, और सीलन में भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा इसको, इससे मकान में सीलन भी नहीं आएगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।